गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। आई एम अंशिका। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। आज की वीडियो में हम आने वाले हैं फादर्स डे ग्रीटिंग कार्ड, वो भी बहुत ही क्यूट सा। देखिए, सबसे पहले हमने ना A4 साइज पेपर लिया, उसको मिडल से फोल्ड करने के बाद जो उसके सेंटीमीटर रहेगा ना, वैसे ही हमें ब्लू कलर का पेपर स्टिक कर देना है। उसके बाद पेंसिल की हेल्प से यहाँ पे मैं मार्किंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ग्रीटिंग कार्ड ना बहुत ही ज्यादा स्पेशल बनाए मेरे पापा के लिए। सो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मार्किंग करने का सोचा। दीदी तुम क्या बना रही हो, मैं भी तुम्हारी मदद करूं। मैं बना रही हूँ फादर्स डे के लिए बहुत ही क्यूट सा ग्रीटिंग कार्ड। आपको पता है फादर्स डे आने वाला है, इसीलिए सो यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का पेपर लेके उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, उसमें हार्ट शेप ड्रॉ करेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी ना इस ट्रिक को जरूर अप्लाई करना, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ही हमारी टीचर है ना, वो बोल रही थी कि स्कूल में कॉम्पिटिशन आने वाले है फादर्स डे के, जो भी अच्छा ग्रीटिंग कार्ड बनाएगा उसे चॉकलेट मिलेगा। अच्छा ठीक है, पार्टिसिपेट करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर तुम्हें बनाना पड़ेगा, ठीक है चिंटू, क्योंकि तुम्हारे कॉम्पिटिशन है और जो बनाएगा अच्छा उसे मिलेगा चॉकलेट। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैं जो आपको बताया था ना कि पेपर इस तरीके से कट करोगे तो आपको बहुत सारे हार्ट्स निकलेंगे, आप चाहे तो किसी भी शेप में कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर आप सबने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोज बनाती रहूंगी। और यहाँ पे देखिए हमने हार्ट्स कट किए थे ना, वो हमें ऐसे स्टिक कर देंगे, जैसे राइट लेफ्ट अपर, आप में जो ठीक लगे आप वो स्टिक करिए। उसके बाद हम लेंगे ब्लैक स्केच पेन, आप चाहे तो इसकी जगह मतलब जो होता है ना स्केल भी यूज करते हैं लाइन करने के लिए। और यहाँ पे देखिए ऐसे पूरी लाइंस करने के बाद हम नीचे से ऐसे कर देंगे। सो फ्रेंड्स, अगर मैंने अपने चैनल पे ना बहुत सारी वीडियो अपलोड की है ग्रीटिंग और ग्लिटर, सो आप सब ट्राई करिए और आप सब ना मेंशन जरूर कीजिए इंस्टाग्राम पे, मैं आप सबको अपनी स्टोरी पे लगाऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे देखिए हमने 6:6 सेंटीमीटर पेपर लिया, कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे फ्रेंड्स। जैसा ही बनाते अगर आप ऐसा बनाओगे तो आपका 99% ये वर्क करेगा और बहुत ही सुंदर लगेगा और घर में सबको बहुत पसंद आएगा। सो आप सब बनाइए, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए उसको इस तरीके से कट करेंगे, कट करने के बाद देखिए हमारा नीचे का जो पार्ट था वो तो कट कर दिया, अभी उसके बाद हमें कुछ इस तरीके से कट करना है। जैसे होता है ना, आप चाहे तो पेंसिल की हेल्प से ना मार्किंग भी कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं फर्स्ट टाइम बनाया तो मुझे बहुत कंफ्यूज होगा, पर जब मैं इसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना, जैसे 2, 3, 10, 15 बार प्रैक्टिस किया मैंने, उसके बाद बहुत ही ईजिली आपका ये बन जाता है। और यहाँ पे देखिए कुछ पेपर इस तरीके से कट करने के बाद इसे फोल्ड कर देंगे, उसके बाद आपको ग्लू की हेल्प से ना दोनों साइड ऐसे स्टिक करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ मैं अलग तरीका मतलब कुछ दूसरा वे होता ना, मैं वो स्टाइल कर रही हूँ, बहुत ही सुंदर लगे हमारा ये बॉक्स। सो उसको कुछ बहुत ही ध्यान से इसको ऐसे स्टिक करेंगे, सो आपका बहुत ही प्यारा सा बहुत ही क्यूट सा रेडी हो जाएगा। और सीजर की हेल्प से ऐसे साइड साइड से कट करेंगे तो हमारे बहुत ही प्यारा सा वो रेडी हो जाएगा ऐसे स्टिक करने के बाद। और अंदर आपको ना बहुत ही प्यारा सा पापा के लिए लेटर लिखना है, ठीक है फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भूलना, और साथ में डेयरी मिल्क और एक पेन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमारा बहुत ही प्यारा सा ग्रीटिंग कार्ड रेडी हो गया। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो मिलते हैं ऐसे अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए अगली बार। राधे राधे।